एक्ट्रेस रानी चटर्जी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद फैंस में काफ़ी आक्रोश है। वो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर भोजपुरी में आए दिन कोई ना कोई अश्लील गाने बन ही रहे हैं। अब इस पूरे मामले में रानी चटर्जी ने अपनी बात रखी है और कहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर भद्दे भोजपुरी गाने बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान रानी चटर्जी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती पर गंदे गाने बनाने वालों को कुछ तो शर्म करनी चाहिए। सुशांत केस में CBI जांच चल रही है, इसलिए अभी रिया पर ज़बरदस्ती आरोप लगाना उचित बात नहीं है। लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक लड़की है। रिया को लेकर गंदे गंदे भोजपुरी गाने बनाना ठीक नहीं है। रानी चटर्जी ने आगे कहा, मैं आपको बता दूं कि इसी बात को लेकर मैंने फेसबुक पर पोस्ट भी किया था कि रिया पर गंदे गाने बनाने वालों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही रानी चटर्जी ने डिप्रेशन के बारे में खुद से जुड़ी कुछ गंभीर बातें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। एक्ट्रेस ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि वह डिप्रेशन से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से एक शख्स है जो कि सोशल मीडिया पर उनके लिए निगेटिव बातें लिखता है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हैं और नकारात्मक हो रही हैं। रिया ने तो ये तक लिखा था कि उस शख्स के चलते वो सुसाइड तक कर सकती हैं, लेकिन बाद में उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऊपर एक्शन लिया गया, जो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद रानी चटर्जी ने खुद मुंबई पुलिस को इसके लिए धन्यवाद भी कहा था। तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।